अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज रियाल रेट में अचानक फिर इजाफा हो गया। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत बढ़ने के बाद रियाल के इंटर बैंक रेट में भी इजाफा हो गया है। आज 7 जून 2022 और मंगल का दिन है। रेट में एकदम इजाफे के बाद आज सऊदी रियाल का प्रेश रेट क्या होगा, यानी सऊदी अरब का कौन सा बैंक आज कितना रेट देगा, ये तफसील हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो पूरा देखे और मजीद इस तरह की मालूमती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज हम शुरुआत वेस्टर्न यूनियन से करेंगे। तो वेस्टर्न यूनियन पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 52.82 रुपये का, इंडिया के लिए 20.38 रुपये, बांग्लादेश के लिए 24.28 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 32.94 रुपये। अगर बात हो जाए STC पे का, तो STC पे पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 52.66 रुपये का, इंडिया के लिए 20.32 रुपये, बांग्लादेश के लिए 24.18 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 32.88 रुपये। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं यूरोपे ऐप के बारे में। तो यूरोपे पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 52.67 रुपये का, इंडिया के लिए 20.32 रुपये, बांग्लादेश के लिए 24.17 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 32.89 रुपये। अगर हम बात करें अलराजी बैंक के बारे में, तो अलराजी बैंक पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 52.35 रुपये का, इंडिया के लिए 20.27 रुपये, बांग्लादेश के लिए 23.52 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 32.84 रुपये। इसके अलावा बारी आती है NCB क्विक पे का। तो NCB क्विक पे पाकिस्तान के लिए आज एक रियाल का रेट देता है 52.18 रुपये का, इंडिया के लिए 20.10 रुपये, बांग्लादेश के लिए 23.47 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 32.66 रुपये का। तो दोस्तों, इसके अलावा हम बात करने वाले हैं इंजाज बैंक के बारे में कि वो क्या रेट दे रहा है। तो इंजाज बैंक पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 52.23 रुपये का, इंडिया के लिए 20.34 रुपये, बांग्लादेश के लिए 23.58 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 32.87 रुपये। अगर बात हो जाए फौरी बैंक का, तो फौरी बैंक पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 52.08 रुपये का, इंडिया के लिए 20.38 रुपये, बांग्लादेश के लिए 23.43 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 32.63 रुपये का। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं ANB टेलीमनी के बारे में। तो ANB टेलीमनी पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 52.03 रुपये का, इंडिया के लिए 20.40 रुपये, बांग्लादेश के लिए 23.69 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 32.89 रुपये का। अगर हम बात करें एक्सप्रेस मनी के बारे में, तो एक्सप्रेस मनी पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 52.17 रुपये का, इंडिया के लिए 20.19 रुपये, बांग्लादेश के लिए 23.68 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 32.70 रुपये का। इसके अलावा बारी आती है सऊदी इरसाल का। तो सऊदी इरसाल पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 52.03 रुपये का, इंडिया के लिए 20.31 रुपये, बांग्लादेश के लिए 23.52 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 32.61 रुपये का। तो दोस्तों, इसके अलावा हम बात करने वाले हैं मनीग्राम के बारे में कि वो क्या रेट दे रहा है। तो मनीग्राम पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 52.04 रुपये का, इंडिया के लिए 20.34 रुपये, बांग्लादेश के लिए 23.65 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 32.86 रुपये। अगर बात हो जाए रियाद बैंक का, तो रियाद बैंक पाकिस्तान के लिए आज एक रियाल का रेट देता है 51.78 रुपये का, जबकि इंडिया के लिए